हे कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटो G6 प्लस है कैसे आप ऑसम पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। बहुत सारे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस बनाए हूँ, इन डेप्थ रिव्यूज, इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स दिया हूँ इस चैनल पर, आप ब्राउज करके देख सकते हैं हमारे चैनल। तो आज का वीडियो है मोटो G6 प्ले। मैंने ये नहीं सोचा था कि मोटो G6 प्ले का कैमरा का भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था इतने सारे सेट ऑफ फीचर्स एंड ऑप्शंस दिए हैं मोटोरोला ने। लेकिन जब मैं लेकर देखा तो बहुत ही अच्छा ऑप्शंस भी दिए हैं मोटोरोला में, और बहुत ही अच्छा पिक्चर्स भी मिलता है आपको। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे वो अच्छा पिक्चर्स आप ले सकते हैं प्रो लेवल का ऑप्शंस यूज़ करके। एंड और एक बात मुझे ये अच्छा नहीं लगा इस मोटो G6 प्ले का है कि इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप तो नहीं है। मोटो G6 में मिलता है आपको एक अराउंड 1 to 2000 रुपीज़ ज़्यादा है वो मोटो G6। लेकिन खैर, ये सिंगल कैमरा होते हुए भी आपको इसमें बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है मोटो G6 प्ले में, तो वो एक क्लियरली बता देना चाहता था। लेकिन वो छोड़ के बाकी सारे सेटिंग्स एंड ऑप्शंस इसमें दिए हैं। बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश, एंड फ्रंट में तो सेल्फी कैमरा है, उसके साथ LED फ्लैश भी दिया है इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे आप बेहतर इमेजेस ले सकते हैं अपने मोटो G6 प्ले से। तो डियर फ्रेंड्स, यह है कैमरा यूजर इंटरफेस मोटोरोला G6 प्ले का। अभी कैमरा ओपन करने के लिए आप अगर इंस्टेंटली ओपन करना चाहते हैं तो जब भी आप ऐसे हैं तो जस्ट ऐसे आप टिल्ट करेंगे तो देखिए इंस्टेंटली कैमरा ऑन हो गया। तो शॉर्टकट है वो, जब भी आप कुछ कैप्चर करना चाहते हैं तो जस्ट ऐसे शेक कीजिए तो इंस्टेंटली कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, एक फ्लैश का है, टाइमर का है, आपको पता ही होगा, HDR भी है। इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हूँ तो आप वो देख सकते हैं कि HDR कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ये तो हाई डायनामिक रेंज, जहाँ पर अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट होता है एंड यहाँ पर ज़्यादा डार्क होता है, कॉम्पेंसेट करके इवनली लिट इमेजेस लेने के लिए HDR यूज़ करते हैं, हाई डायनामिक रेंज बोलते हैं उसको, तो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 स्ट्राइप्स है, जस्ट एक बार ऐसे टैप करेंगे तो ये वाला सबसे पहला आइकॉन जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर टैप करना है। एंड ये रहा प्रो लेवल ऑप्शंस मोटो G6 प्ले में। प्रोफेशनल मोड भी लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस है, वाइट बैलेंस का है, शटर स्पीड है, ISO का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक्सपोजर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, तो ये जस्ट टैप करेंगे तो ऐसे स्लाइडर्स मिलेगा, तो यहाँ से इंस्टेंटली आप कोई भी सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा सेटिंग आपको बेहतरीन इमेजेस दे रहा है लाइव व्यू मोड में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस बनाया है मोटोरोला ने। तो इसको कैसे यूज़ करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर है फोकस। तो जैसे आप स्लाइडर मूव करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए अगर फ्लावर का या फिर क्लोजअप सब्जेक्ट्स का कोई भी ले रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर आइकॉन है, आप देख सकते हैं, तो उस पर आपको लाके स्लाइडर छोड़ना है। देखिए यहाँ पर फ्लावर पर चेंज हुआ ना अभी, फ्लावर का आइकॉन। तो यानी कि अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस मोटोरोला का जितना है वहाँ से आपको बिल्कुल फोकस में सब्जेक्ट्स मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इतना क्लोजअप ऑब्जेक्ट का आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, एंड बैकग्राउंड देखिए आप बिल्कुल ब्लर हुआ है, तो ऐसे आप फोकस को चेंज कर सकते हैं। अब ये लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप में फोकस लाने के लिए जस्ट आपको अराउंड 75-80% तक मूव करना है, तो बाकी सारे फ्रेम में आपको बिल्कुल शार्प इमेजेस आने लगेंगे। तो ऐसे आप करके इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, बहुत ही फोकस्ड इमेज, शार्प इमेजेस ले सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस यूजुअली कलर्स, जब भी आप अगर सोच रहे होंगे कि अब ये सीनरी में कलर ठीक से नहीं ले रहा है तो यहाँ से आप चेंज करके ज़रूर देख सकते हैं। प्रीसेट मूड्स है, टंगस्टन का, शेड का, ऐसे प्रीसेट मूड्स है। अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल नंबर को बदल नहीं सकते हैं, अगर नंबर चेंज करना होता तो बहुत ही अच्छा होता था। तो वो ऑनर 9 लाइट में है, नंबर्स बिल्कुल चेंज कर सकते हैं वहाँ पर मैनुअली। तो इसमें सिर्फ ऐसे प्रीसेट मूड्स दिए हैं। अगर आपको ये
डे लाइट में अच्छा लगता है ये वाला कलर, तो बिल्कुल आप कैप्चर करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप वाइट बैलेंस को चेंज करें। इवन आप इंडोर सिचुएशन में अगर कैप्चर कर रहे हैं इंडोर सिचुएशन में, तो वहाँ पर भी बहुत हेल्प होगा वाइट बैलेंस। तो क्योंकि वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग होगा, तो इसके सेटिंग से आप बहुत ही अच्छा पिक्चर ले सकते हैं। आप चेंज करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है शटर स्पीड। देखिए मोटो G6 प्ले में स्टार्टिंग फ्रॉम 1/6000, यानी कि जो भी एक्शन वाला कुछ हो रहा है सीनरी पर, तो वो बिल्कुल फ्रीज करके आप ऑसम इमेजेस ले सकते हैं प्रोफेशनल की तरह। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, 1/6000 तक जाता है शटर स्पीड, यानी कि आपको कुछ ब्लर इमेजेस मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल शार्प रहेगा डे टाइम में। तो वैसे आप कैप्चर कर सकते हैं मैनुअली चेंज करके। तो ऑल द वे अप टू 1/4 सेकेंड तक जाता है। देखिए लाइव में आपको बताएगा कि एक्सपोजर कैसे आ रहा है शटर स्पीड चेंज करते ही। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर मुझे पूछेंगे तो ISO का जो वैल्यू रहता है हमेशा लोअर पर रहना है 100 पर। तो इससे अभी आप यहाँ पर चेंज करते हुए जो भी है शटर स्पीड, जैसे आपको लाइटिंग चाहिए वैसे चेंज करके आप कैप्चर कर सकते हैं, एंड बहुत ही ब्राइटर एंड अच्छा एक्यूरेट कलर एंड एक्यूरेट एक्सपोजर वाला इमेजेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे आप कॉम्पेंसेट ISO वैल्यू एज वेल एज शटर स्पीड को कॉम्पेंसेट करके कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथ एंड सिल्की मूवमेंट्स का अगर लेना है, स्मूथ वाटरफॉल का बनाना है, तो आप शटर स्पीड को हमेशा लो रखना है एंड उसके साथ हमेशा ISO जो है वो 100 को रखना है आपको मिनिमम ISO नंबर। एंड यहाँ पर शटर स्पीड है अराउंड 1/10, 1/20 या फिर 1/4 सेकेंड तक रख सकते हैं आप। लेकिन क्या है कि अगर स्मूथ सिल्की वाला लेना चाहते हैं आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो लो लाइट कंडीशंस में अगर लेंगे तो आपको सेटिंग कॉम्पेंसेट अच्छा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल स्टडी हैंड रखना है, तो वो एक आपको ध्यान में रखना है। तो ये था शटर स्पीड एंड ISO का कॉम्पेंसेट करके कैसे लें। यहाँ पर एक देख सकते हैं आप एक्सपोजर वैल्यू, जब भी आप ऐसे टैप करके फोकस करते होंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्लाइडर मिलेगा। तो ये है एक्सपोजर वैल्यू, यही सेटिंग यहाँ पर भी है एक्सपोजर वैल्यू का। तो ये क्यों यूज़ होता है, देखिए यहाँ पर बहुत ही डार्क इमेज है, तो फोरग्राउंड एलिमेंट है वो बिल्कुल डार्क है, उसको अगर कॉम्पेंसेट करके ब्राइट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे से आप 0.17, 0.33, 0.5 स्टॉप तक रख के आप अगर कैप्चर करेंगे तो बिल्कुल लाइट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल इवनली लिट अच्छा इमेजेस आपको मिलेगा। तो ऐसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। अगर डार्कर बनाना है आपको माइनस पर लेके जाइए। देखिए अभी क्लाउड्स कितने डिटेल में दिखने लगे हैं, तो आप 3 इमेजेस को कैप्चर करके स्टैक भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इमेजेस आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे आप प्रोफेशनल मोड को चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैनोरामा है एंड स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया है मोटो G6 प्ले में, लेकिन क्लैरिटी इतना भी नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन तो है कुछ ऑब्जेक्ट्स का अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर फ्लिकर ज़्यादा आ रहा है तो टॉर्च का यहाँ से बिल्कुल आप ऑन करके मैनुअली ले के देख सकते हैं स्लो मोशन, तो स्लो मोशन भी कैप्चर कर सकते हैं मोटो G6 प्ले में। उसके बाद है पैनोरामा, पैनोरामा आप हॉरिजॉन्टल ऐसे लेना है आपको तो आप ले सकते हैं, इवन वर्टिकल पैनोरामा भी ले सकते हैं विच इज़ ऑसम। एंड यहाँ पर वीडियो मोड है 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए हाथ वाला ऐसे जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का है, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है वीडियो में आपको जब भी लेते हैं, तो इसको हमेशा ऑन करके लीजिएगा तो बहुत ही स्मूथ लुकिंग इमेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वो एक बात आपको ध्यान में रखना है एंड बाकी तो फोटो मोड है ही। इसके बाद क्या है, देखिए जस्ट आप ऐसे स्वाइप अप करेंगे तो जूम होगा अप टू 8x जूम है, अगर थोड़ा धीरे से अगर आप करेंगे तो जूम में फ्रॉम 1x टू 2x, अप टू 2x अच्छा आता है इमेजेस एंड उसके बाद ब्लरी पिक्चर्स मिलेंगे, तो अप टू 2x आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जूम फीचर को। तो और एक ऑप्शन देखिए, जब ऐसे रहेंगे तो स्वाइप ऐसे करेंगे, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे फीचर्स है, जैसे कि मान लीजिए फोटो साइज़ आपको चेंज करना है 13 मेगापिक्सल, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में 9.7 मेगापिक्सल है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो जो कि फुल स्क्रीन में अगर चाहते हैं तो 8.7 मेगापिक्सल में आपको रिड्यूस होगा इमेज साइज़। तो ऐसे आप चेंज करके ले सकते हैं यहाँ पर, तो वो वाला सेटिंग यहाँ से आपको मिलेगा। असिस्टिव ग्रिड हमेशा ऑन रखिए, यानी आपको ग्रिड्स जो लाइंस दिख रहा है यहाँ से आप अच्छे कॉम्पोजिशन वाला पिक्चर्स ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को लेवल बनाकर बहुत ही अच्छा पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं ग्रिड से। तो इसको हमेशा आप ज़रूर ऑन रखिए असिस्टिव ग्रिड को। उसके बाद टैप एनीवेयर टू कैप्चर, जस्ट आप टैप करेंगे तो कैप्चर हो जाएगा। क्विक कैप्चर यानी कि ट्विस्ट, ऐसे ट्वाइस ट्विस्ट करेंगे आप तो कैमरा फ्रंट एंड बैक शिफ्ट होगा, अगर सेल्फी का चाहते हैं तो जस्ट ऐसे शेक करेंगे तो सामने वाला कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो वाला ऑप्शन है। वीडियो साइज़ का यहाँ पर है,
तो इतने सारे ऑप्शंस है मोटो G6 प्ले में, बजट फ़ोन होते हुए भी इतने ऑप्शंस दिए हैं मोटोरोला ने, विच इज़ गुड। तो आप ऐसे बेटर इमेजेस ले सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर है तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।